हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीडरशिप, और उससे रिलेटेड कुछ यूजफुल एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। मेरा नाम ऋचा भारती है, आई हैव क्वालिफाइड नेट 2 times। फ्रेंड्स, अगर आप UGC नेट कोड 55 या फिर PSU HR एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटोरियल्स एकेडमी ऐप पर एक नॉमिनल प्राइस पर ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, लीडरशिप मे बी डिफाइंड एज, चेक, लीडरशिप की प्रॉपर डेफिनेशन पूछ रहा है। तो एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, यस इट इज। एबिलिटी टू कमांड पीपल to work towards a common goal and ability to discipline people, ये जो definition है ना, वो leadership के definition को थोड़ा limit कर दे रहा है, restrict कर रहे हैं। ये proper definition नहीं होगा leadership का। leadership जो है वो एक broader concept है, जिसमें कि हम behavior को influence करते हैं motivate करके, ठीक है, और हमारा aim होता है कि हम एक goal को accomplish करें, right? एक जो लीडर होता है वो डायरेक्ट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि गोल को कैसे आसानी से अचीव किया जा सके, राइट? एक लीडर ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट करता है फॉलोअर्स को, और उसके पास पोटेंशियल होता है कि जो लोग उसके फॉलोअर है उसे ओबे करें, उसके इंस्ट्रक्शन को माने, और वो साथ ही साथ इनकरेज भी करता है उन्हें, और एंथुसियास्टिकली काम करने के लिए भी उनको इंस्पायर करता है, राइट? तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है? लीडरशिप डज नॉट नेसेसरीली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्कल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है कि जैसा हायरार्कल स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनाइजेशन का, उसी हिसाब से लीडरशिप जो है वो प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लीडरशिप, जैसा कि हमने ग्रेट मैन थ्योरी में पढ़ा है, वो एक पर्सनल कॉन्सेप्ट भी होता है, राइट? व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर्स देयर रोल इज ऑलवेज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफाइंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी लीडर का जो रोल होता है वो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड या डिफाइंड नहीं होता है। मैनेजर का रोल हो सकता है, राइट? जो लीडर का रोल होता है वो सपोर्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से वेरी करता है, जैसे कि लीडर्स का जो भी स्टाइल हो उसके अकॉर्डिंग, ओके? नॉट एवरी लीडर इज अ मैनेजर, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ओके? यहाँ पे हमें समझना है फ्रेंड्स कि जो लीडर होता है उसका काम होता है मेनली इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर को और मोटिवेट करना गोल को असाइन करने के लिए, राइट? जबकि जो मैनेजर होता है उसका काम होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसीलिए हर लीडर जरूरी नहीं कि मैनेजर हो, ठीक है? हर लीडर का काम मैनेजमेंट के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो, ठीक है? इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी। What do you call a style of leadership that takes account of others' views, opinion and ideas? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स एक जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह लेजी फेयर, पीपल ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। तो इसमें एक सिंपल सा ही लॉजिक है, ठीक है? जो सबसे पहला होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर है और उसके फॉलोअर है, ओके, एंड देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ओके? वो बस फॉलोअर को डायरेक्ट करता है कि ये काम हो जाना चाहिए बस, और वो कोई सजेशन नहीं लेता इनसे, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता, और वो इमीडिएट ओबीडियंस चाहता है अपने ऑर्डर्स का, ठीक है? और अगर ओबे नहीं हुआ तो वो नेगेटिव मेथड यूज करेगा, जैसे कि वो पनिशमेंट देगा या फिर अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड देगा, ठीक है? बस ऐसा ही होता है। और इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडरशिप टेक्स अकाउंट ऑफ अदर्स व्यूज, ओपिनियन एंड आइडियाज। डेमोक्रेटिक में फॉलोअर्स जो होता है टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, लोग ओपन अप होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और कोई उनसे सजेशन लिया जाता है, राइट?
और उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये सारा काम होता है डेमोक्रेटिक में, जैसे कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ के लोगों का जो व्यूज है वो भी काउंट होता है, राइट। तो ये हो गया। एंड देन देयर इज लेजिफेयर। लेजिफेयर में क्या होता है, जो लीडर होता है वो फॉलोअर के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लीडर होता है वो फॉलोअर को बस काम डेलीगेट कर देता है, दैट्स इट। फॉलोअर मैच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो खुद से ही काम संभाल लेते हैं, ओके। उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शनल गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। तो ऑप्शंस देखेंगे, मस्ट ऑब्जर्व द पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, मोटिवेट स्टाफ, नहीं जरूरी नहीं है। इम्प्लॉयज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, नो। इंश्योर दैट स्टाफ नोज द इश्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग, ये तो हर काइंड ऑफ लीडरशिप में होगा, राइट। मेंटेन अ गुड स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव एंड डिस्टिंक्टिव इमेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा पॉइंट नंबर डी। सी, जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप होते हैं उनके पास एक अट्रैक्शन होता है, राइट, और उनके पास एक पावर होता है कि लोग उनको फॉलो करें। वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस एग्ज्यूट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनके बिलीफ को फॉलो करते हैं, राइट, और उनको बिना किसी क्वेश्चन के उनको ओबे करते हैं, राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, ठीक है। तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो जिनके पास होता है वो ऑब्वियसली एक डिस्टिंक्टिव इमेज भी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपनी पर्सनैलिटी के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ओके। तो ट्रांजैक्शनल मतलब क्या होता है, जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, जस्ट गिव एंड टेक, ओके। ऑर्डर, लीडर ऑर्डर करेगा एंड फॉलोअर ओबे करेगा, दैट्स इट, इतना ही होता है। और इसमें क्या होता है कि मोटिवेशन अगर दिया जाता है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में, तो वो बस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू दिया जाता है, और वो मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप का जो वर्किंग स्टाइल होता है वो ज्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है, राइट। वो बस क्या फोकस करता है कि रूल्स प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं, कॉम्प्लायंस है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा Yes, D. Must observe that the punishment and rewards motivate staff, right? Next question number 6. Yeah, one second. Which of the following are the characteristics of transformational leadership? Transformational leadership की क्या characteristics होती हैं? ठीक. तो transformational leadership में क्या होता है friends? जो leader होता है उसके पास एक vision होता है कि हम एक मीनिंगफुल चेंज को कैसे लाए, राइट। और वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं इन टर्न उनमें एक वैल्यूबल चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है, राइट। तो इस थ्योरी के साथ अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा creates a vision to guide the change through inspiration, right? Option number E will be the most appropriate and correct answer. Question number 7, यह बहुत ही ज़्यादा important question है, okay? बहुत ही ज़्यादा. Let's see. Identify the four main styles of leadership displayed by the manager, which is identified in Tenenbaum and Schmidt continuum of possible leadership behavior, right? तो इन्होंने 1958 में, दो थिंकर्स थे, ओके, दो फिलोसोफर थे, टेनेनबॉम एंड शिमिट। उन्होंने एक लीडरशिप की थ्योरी दी कि जो लीडरशिप होता है वो एग्जिस्ट करता है एक कॉन्टिन्यूम में, ठीक है। ये इंक्रीज होता जाता है, सबसे पहले टास्क बिहेवियर रहता है इनिशियली, क्योंकि नए नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है जो कॉन्टिन्यूम है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो जाता है। जो भी लीडर्स है वो उनके उनका एम्प्लॉय के साथ एक कनेक्शन फील हो जाता है, ही द लीडर टेक्स केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो ये कॉन्टिन्यूम है जो कि इस तरीके से चलता है। तो
उन्होंने इस कॉन्टिन्यूम के कुछ स्टेजेस बताए थे, तो वो जो स्टेजेस है वो इसमें से कौन सा है? तो जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पॉइंट नंबर सी, ठीक है, टेल्स सेल्स कंसर्ट्स एंड जॉइंट्स। ठीक, मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया है आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सी कॉन्टिंजेंसी थ्योरिस्ट रॉबर्ट टेनेनबॉम एंड वॉरेन श्मिट आइडेंटिफाइड 7 लीडरशिप स्टाइल, उनका जो कॉन्टिन्यूम था उसमें 7 स्टेजेस थे, ठीक है, देर वेर 7 स्टेप्स और हर स्टेप का एक अलग लीडरशिप स्टाइल था, ठीक। तो वो क्या बता रहे कि सबसे पहला होता है टेल्स। टेल्स में क्या होता है कि लीडर जस्ट मेक्स द डिसीजन एंड एक्सपेक्ट द टीम टू फॉलो, ओके, ये जनरली न्यू स्टार्टर्स के लिए होता है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्स द डिसीजन, जो लीडर होता है, सेलिंग मतलब क्या हो गया कि लीडर अपना डिसीजन बताता है और साथ में अपना रीजन भी बताता है कि आई एम मेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज सच एंड सच इज द रीजन, ताकि जो जो टीम है उसको थोड़ा सेटिस्फाइड फील हो, उसको फील हो कि चलो मेक एटलीस्ट ही इज कंसिडरिंग अस टू शेयर, राइट। उसके बाद होता है सजेस्ट, इसमें क्या होता है कि वो लीडर है वो सजेस्ट करता है, रीजन देता है और उसके बाद पूछता है कि अगर कोई डाउट हो तो आप बताओ, स्टेल्स में नहीं पूछता, सजेस्ट में पूछता है, राइट। कंसल्ट में क्या होता है कि वो डिसीजन को प्रपोज करता है, ठीक है, डिस्कस करता है और उसके बाद बोलता है कि फाइनल आउटकम हमारा ये है, अगर टीम को अलाउ करता है कि फाइनल आउटकम को भी वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। एंड देन सिक्स्थ है जॉइंस, तो उसमें क्या होता है कि लीडर प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, यहाँ पर सी हाउ कॉन्टिन्यूम इज मूविंग, राइट। तो लीडर को जो प्रॉब्लम है वो लीडर प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है और टीम को बोलता है कि आप आके ज्वाइन करो और उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। और जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, ये पूछा जा सकता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस किस स्टेज में होता है, ज्वाइंट प्रोसेस में होता है, ठीक है। और यहाँ पर टीम को ट्रस्टेड फील होता है। और लास्ट में होता है डेलीगेट्स, ठीक है, लीडर बस प्रॉब्लम बता देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, खुद उनसे पूछता है फॉलोअर से बताओ अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, ठीक है, दैट्स इट, अलाउ द टीम टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट इज टेनेनबॉम एंड श्मिट कॉन्टिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर इज, ओके, 1958, राइट। एंड देन वन मोर स्टेप इज देयर, सॉरी, जो फाइनली द लीडर एब्डिकेट्स आस्क द टीम टू डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ एंड डिसाइड हाउ टू सॉल्व इट। इसके बाद ऐसा भी स्टेज आता है कि लीडर जो प्रॉब्लम डिफाइन भी नहीं करता है, वो फॉलोअर को बोलता है कि खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, खुद ही प्रॉब्लम को डिवाइड करो, डिफाइन करो और खुद ही सॉल्व करो। सो दीज आर द 7 स्टेप्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश यूज द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर। तो इसमें कौन होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा लाइकर डी, ओके। सी देर आर टू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप इन बिहेवियर थ्योरी। जो बिहेवियर थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी में दो तरह की स्टडीज है, ठीक है, दो तरह की स्टडीज है, जिसमें पहला है मिशिगन स्टडीज एंड दूसरा है ओहायो स्टडीज, ठीक है। तो जो मिशिगन स्टडीज है उसको किसने उसके रिसर्चर कौन थे? उसके रिसर्चर थे रेंसिस लाइकर्ट, लाइकर्ट जी थे। उन्होंने क्या बताया कि जो बिहेवियर होता है ना लीडर का, वो या तो एम्प्लॉय सेंटर्ड हो सकता है या प्रोडक्शन सेंटर्ड हो सकता है, इसको टास्क सेंटर्ड भी कहते हैं। अगर एम्प्लॉय सेंटर्ड हो तो लीडर विल टेक केयर कि ग्रुप में कोहेसिवनेस है कि नहीं, ठीक है, वेलफेयर है कि नहीं, और जो हमारा जो टीम है उसका एनवायरमेंट अच्छा है कि नहीं, ठीक है, और उसके थ्रू वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। और प्रोडक्शन सेंटर्ड में क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, वो कि कंप्लीशन ऑफ टास्क अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो एम्प्लॉय है वो टास्क कितना कंप्लीट हुआ है उस पर ध्यान देता है, वो एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं देता है। सो ये हमारा है ओहायो मिशिगन स्टडीज, तो दिस इज रिलेटेड टू मिशिगन स्टडीज, ओके। एंड देन देयर वाज नेक्स्ट ओहायो स्टडीज, जिसके लिए क्वेश्चन है, ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज द टू मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। तो ओहायो स्टडीज ने क्या बताया था फ्रेंड्स? उसने बताया था कॉन्सिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों मेजर डायमेंशन होता है लीडरशिप बिहेवियर का, ठीक है।
और यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, उन्होंने काफी रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो कंसिडरेशन बिहेवियर होता है उसमें उसमें जो लीडर है वो कंसर्न शो करता है सबॉर्डिनेट की फीलिंग्स के लिए, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स के मन में क्या क्या आइडियाज है उसके लिए कंसर्न शो करता है, उसका एक वार्म फ्रेंडली सपोर्टिव बिहेवियर होता है, राइट। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो लीडर है वो क्लियरली डिफाइन कर देता है कि सबका रोल क्या क्या है, सबसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि किसने क्या क्या कितना टास्क कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये दोनों है मिशिगन और ओहायो स्टडीज। इन दोनों में डिफरेंस एक मेजर क्या है फ्रेंड्स, कि मिशिगन स्टडीज बताया था कि जितने भी लीडर होंगे उनका या तो एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर होगा या तो प्रोडक्शन सेंटर्ड बिहेवियर होगा, कि इट विल बी इधर वन, इधर दिस और दिस, दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ ऑल द लीडर्स। लेकिन ओहायो स्टडीज भी बताते हैं कि देयर इज वन कॉन्टिन्यूम, ओके, यहाँ पर एक है इधर कॉन्सिडरेशन और इधर है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और जो लीडर्स होते हैं वो कहीं भी लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी लीडर का कम कंसिडरेशन आइडिया हो सकता है और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो सकता है, किसी का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, किसी का कंसिडरेशन कम होगा, तो एक रेंज होता है जिसमें कि ये दोनों जो पैरामीटर्स है, जो डायमेंशन है, उसको हम पॉइंट कर सकते हैं, राइट, हर लीडर के लिए। नेक्स्ट 10, मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज, लीडरशिप का सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन इसमें से क्या होगा, तो सब इसमें पहले एलिमिनेट करेंगे तो हमें पता चलेगा, अ ग्रुप दैट अचीव गोल्स, ग्रुप तो नहीं होता है, ये तो नहीं होगा, एंड देन डायरेक्टिंग अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ये भी नहीं होगा। जो लीडरशिप होता है उसका मेन जो पर्पज होता है वो कहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के बाद पॉइंट नंबर ए और सी में कही गई है, तो सी इज द फंक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, लीडरशिप इनफैक्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में हम इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप के बिहेवियर को, साथ ही साथ हम इंस्पायर करते हैं उस प्रोसेस में, उन्हें इनकरेज करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक हमारा एक वार्म फीलिंग होता है, सपोर्टिव फीलिंग होता है, उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, और साथ ही साथ जो लीडर्स की पर्सनैलिटी होती है उसके थ्रू भी पॉजिटिवली जो फॉलोअर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इन दिस प्रोसेस। तो ये इसलिए एक ये हमारा जो पॉइंट नंबर ए है वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट 11, डैश इज नॉट ए कॉन्टिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली यूजीसी नेट 2020 में भी पूछा गया था, उसमें ये बताया गया था कि जितने जो लीडरशिप है उसके जो रिसर्चर्स है उससे रिलेटेड नेम दिए गए थे और बताया गया था कि कौन से रिसर्चर्स कंटिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड है और कौन से रिलेटेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था, राइट। तो सी, अगर आपका बेस नॉलेज स्ट्रांग होगा तो अगर क्वेश्चन को किसी भी तरह से ट्विस्ट किया जाए यू विल बी एबल टू आंसर देम। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा नॉलेज बेस बहुत ज्यादा साउंड हो, राइट। तो सॉरी, डैश इज नॉट अ कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ब्रूम येटन जागो थ्योरी भी कंटिजेंसी थ्योरी है, एलपीसी थ्योरी गिवन बाय फेल्डर ये भी कंटिजेंसी थ्योरी है, पाथ गोल भी फ्रेंड्स कंटिजेंसी थ्योरी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, पाथ गोल ये बताता है कि एज पर द सिचुएशन जो बिहेवियर होगा लीडर का वो या तो डायरेक्टिव होगा या तो सपोर्टिव होगा या तो पार्टिसिपेटिव होगा या तो अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, ये बताया जाता है पाथ गोल थ्योरी में, ठीक है। लेकिन जो जॉब सेंटर्ड लीडरशिप होती है वो कंटिजेंसी थ्योरी नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एक टी ग्रुप से, प्रेफरेबल टी ग्रुप मेंबर्स अंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आर, ठीक है। तो जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसको हम लोग लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कितने ग्रुप होते हैं, कितने लोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 to 20। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ग्रुप बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ग्रुप में कुछ लोग होते हैं 10 to 20 जो इंटरपर्सनल बिहेवियर अपने स्टडी करते हैं, ग्रुप में लोगों का टेम्परामेंट कैसे होता है, वो किस तरह से कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से डिस्कशन करते हैं, वो सारा कुछ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में बताया जाता है, देखा जाता है, पर्सनैलिटी की स्टडी की जाती है, बिहेवियर की स्टडी की जाती है, ओके। तो
जो टी ग्रुप जो होता है इसमें एक्चुअली जो जो पूछा जा सकता है आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इसका जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो मॉनिटर करता है ग्रुप को, वो एक पैसिव होता है, राइट। उसका जो लीडर होता है वो पैसिव होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, वो बस अलाउ करता है कि ग्रुप मेंबर्स बात करें, प्रॉब्लम दे देता है, ग्रुप मेंबर्स को डिस्कस करने को कहता है, एंड ही जस्ट सीज इट। उसका काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक इसके लिए एक डेफिनेशन है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने मेंशन किया। रॉबर्ट टी गोलेम्बिविस्की जो थे उन्होंने बोल रहा है कि वो टी ग्रुप के बारे में बताते हैं कि इट इज अ लर्निंग लेबोरेटरी, इसीलिए इसको हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। लर्निंग लेबोरेटरी, इट फोकसेस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न एंड इट डिस्टिंक्टिवली डज सो वेयर वाई हेयर एंड नाउ एम्फेसिस ऑन द इमीडिएट आइडियाज, फीलिंग्स एंड रिएक्शन। जो इमीडिएट आइडियाज, फीलिंग एंड रिएक्शन होते हैं ग्रुप में, उसको उसके थ्रू लर्निंग कैसे हो सकती है, ये फोकस करता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू फील्डर कॉन्टिंजेंसी मॉडल द फेवरेबलनेस ऑफ सिचुएशन डिपेंड्स ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये तो होगा ही। और फील्डर जी ने बताया था कि जो डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर है और डिग्री ऑफ पोजिशन पावर है, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है कि जो लीडर है उसका जो बिहेवियर है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा या टास्क ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा है तो डिग्री ऑफ टास्क रिलेशनशिप अच्छा होगा, लीडर पोजीशन पावर भी अच्छा होगा, तो वो ज्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी, विच इज पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। तो पाथ गोल थ्योरी में फ्रेंड्स दो लोगों का नाम आता है, रॉबर्ट हाउस एंड मार्टिन इवांस, ठीक है। मार्टिन इवांस जी का भी नाम आता है, लेकिन जो फादर अगर पूछा जा रहा है देन फादर विल बी रॉबर्ट हाउस, ठीक है। तो रॉबर्ट हाउस जी ने क्या बताया था, उन्होंने बोला कि अगर जो गोल अचीव करना हो किसी लीडर को, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप जितने भी फॉलोअर्स हैं उसको बता दो क्लियरली कि हमारा गोल क्या है एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच वन ऑफ देम टू कंट्रीब्यूट इन दैट गोल। हर किसी को उस गोल में क्या क्या कंट्रीब्यूट करना है ये क्लियरली बता दो। इसमें स्मार्ट गोल की बात होती है, गोल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो उस तरीके से जब उनको पता चलेगा कि उनके पास कुछ टारगेट्स रहेंगे और टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ब खुद उनमें क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, राइट। नेक्स्ट 15, व्हाट डज द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो लाइफ साइकिल थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी हर्शे एंड ब्लैंकार्ड, ओके, हर्शे एंड ब्लैंकार्ड। हर्शे एंड ब्लैंकार्ड जो थे ना, उन्होंने बताया कि ये जो इसको सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं, उन्होंने इसको सिचुएशनल थ्योरी का भी नाम दिया। और वो बताता है कि जिस सिचुएशन में जो फॉलोअर्स है वो कितने मैच्योर है, कितने कॉम्पिटेंस है, कितना एक्सपीरियंस है उनमें, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पर्सनैलिटी ट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया। जैसी पर्सनैलिटी होगी, जितनी मैच्योर डेवलप्ड पर्सनैलिटी होगी, तो उस हिसाब से लीडरशिप हमें वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। टास्क रिलेशनशिप भी नहीं होगा, एनवायरमेंट भी नहीं होगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर लाइफ साइकिल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्शे एंड ब्लैंकेट जी जो थे उन्होंने चार तरीका बताया था लाइफ साइकिल थ्योरी में, चार स्टेजेस बताया था, विच इज ऑल्सो सिचुएशनल थ्योरी। क्या क्या स्टेजेस बताए थे, टेलिंग, देन इट इज पार्टिसिपेटिंग, ओके, इट इज पार्टिसिपेटिंग, देन सेलिंग एंड देन डेलीगेटिंग, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चार चीजें बताया, टेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग एंड डेलीगेटिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि टेलिंग में क्या होता है कि जनरली न्यू कमर्स, न्यू स्टार्टर्स के लिए होता है, जिसमें कि सुपरवाइजर्स जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो बस डायरेक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज सेलिंग, ठीक है। द
सेलिंग में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप एक्सप्रेस करो अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं वो लोग, ठीक है, और कम्युनिकेशन को ओपन किया जाता है. एंड देन देयर इज पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो लीडर है वो फॉलोअर्स का ओपिनियन सीक करता है, उनको अलाउ करता है कि पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, काम कैसे परफॉर्म हो रहा है उसमें अलाउ करें, राइट. दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड द फोर्थ स्टेप इज डेलीगेशन. इसमें क्या होता है कि वो जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देता है फॉलोअर्स को, ठीक है, और लीडर का काम होता है बस मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. जस्ट रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ दिस लाइफ स्किल थ्योरी ऑफ बाय हर्शेन ब्लैंकार्ड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है. अब हम लोग लीडरशिप और मैनेजमेंट के जो डिफरेंस है उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है. तो इफ मैनेजमेंट इज रिएक्टिव, लीडरशिप इज प्रोएक्टिव. बिल्कुल, लीडरशिप प्रोएक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि लीडर के पास एक विजन होता है कि क्या मीनिंगफुल चेंज लाना है, कैसे काम करना है तो अच्छा रहेगा, कैसे फॉलोअर्स को मोटिवेट करना है. लेकिन मैनेजमेंट का काम रिएक्टिव होता है. मैनेजमेंट का एक काम कंट्रोलिंग भी होता है, जिसमें कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई देन हाउ टू कंट्रोल इट, राइट. ये सारा काम मैनेजमेंट का काम, इसलिए रिएक्टिव भी होता है. मैनेजमेंट इज बेस्ड मोर ऑन रिटन कम्युनिकेशन व्हाइल लीडरशिप इज वर्बल कम्युनिकेशन. बिल्कुल सही, राइट. मैनेजर्स फॉलो ओन इंस्टिंक्ट, लीडरशिप फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. दिस इज रिटन अदर वे राउंड, राइट. मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना इंस्टिंक्ट होता है और वो जो फॉलोअर्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके थ्रू वो डिसीजन लेते हैं. लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, रैशनल डिसीजन लेते हैं, एज पर द पॉलिसी जो लॉजिकल डिसीजन है उसको लेते हैं, राइट. मैनेजर डील विद डायरेक्टिंग एस्पेक्ट, लीडर्स डील विद पीपल एस्पेक्ट. बिल्कुल सही है. लीडर्स को जो है वो लोगों के पर्सनल फीलिंग्स के साथ, जो उनका इमोशंस है, जो उनकी एम्बिशंस है, उनके साथ डील करते हैं. लेकिन मैनेजर को सिर्फ एक डायरेक्शन का अप्रोच रहता है उसके पास, राइट. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द थिंकिंग एंड आउटलुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पर जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स इन 1978. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. एक रिसर्चर थे, थिंकर थे, जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स, राइट. इनको मेनली बर्न्स के नाम से जाना जाता है. तो उन्होंने बताया था कि मेनली उनका वर्क है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के अराउंड है. तो उन्होंने बोला था कि जो थिंकिंग होती है, आउटलुक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की, वो कैसी होती है, स्ट्रैटेजिक. उन्होंने स्ट्रैटेजिक टर्म दिया था. उनके बारे में मैंने एक थोड़ा सा नोट्स बनाया है आपके लिए. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है वो अमेरिकन हिस्टोरियन थे वो, और उनकी एक बुक थी लीडरशिप. अगर बुक से पूछा जा सकता है कि ऑथर कौन थे लीडरशिप बुक के, देन ही विल बी मैकग्रेगर बर्न्स, राइट. और इनकी जो थ्योरी थी वो 1980 में, 2 साल के बाद, इनका एक स्कॉलर था, फॉलोअर था, बर्नार्ड एम बास, ठीक है, उन्होंने एक्सपैंड किया था मैकग्रेगर के थ्योरी को. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स ये सारे. और बर्न्स बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, ये दोनों को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. और वो बताते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग अप्रोच होता है वो लोगों की लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाता है. वो परसेप्शन और वैल्यूज को रीडिजाइन करता है, राइट. और अनलाइक ट्रांजेक्शनल अप्रोच, इट इज नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कैसा होता है, गिव एंड टेक होता है ओवरऑल, राइट. और जो लीडर होते हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट, एबिलिटी, ये सब पे ध्यान देते हैं. और एक उनका एक एनर्जाइजिंग विजन होता है और वो चैलेंजिंग गोल्स को आर्टिकुलेट करते हैं. तो ये सारा कुछ बताया था बर्न्स जी ने. ओके, नेक्स्ट बास, जो बास थे, बर्नार्ड बास, जिन्होंने एक्सपैंड किया था इनकी थ्योरी को, बर्न्स की थ्योरी को. उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन बास इंटरप्रिटेशन ही आइडेंटिफाइड 4 सेपरेट एलिमेंट दैट मेकअप अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. इसके बाद, इसकी थ्योरी के बाद, उन्होंने 4 सेपरेट एलिमेंट बनाया बास ने, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम 4 I बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द 4 I's बाय द बास. तो दीज वेर, व्हाट वेर दीज 4 I's? द फर्स्ट वन इज आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, थर्ड वन इज इंस्पिरेशनल मोटिवेशन,
एंड फोर्थ वन इज इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, दिस फाइव एंड सिक्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये चारों फ्रेंड्स आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी ओनली 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर और भी मेंशन किया है मैंने, दीज फोर एलिमेंट्स इन बास व्यू वेर क्रूशियल इफ लीडर विश टू इंस्पायर नर्चर एंड डेवलप देयर फॉलोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल व्हेन वर्क कंडीशन एंड क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर सुपीरियर क्वालिटी चाहिए होगी, सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए होगी, तो हमको किस तरह का लीडरशिप स्टाइल रखना होगा, कौन सा सबसे ज्यादा डिजायर्ड होगा? तो हमारा इसके लिए जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक भी नहीं होगा, डेमोक्रेटिक भी नहीं होगा, ठीक है, लेजीफेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, ब्यूरोक्रेटिक क्यों होगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक में जो लीडर है वो स्ट्रिक्टली अधियर करता है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज को, ठीक है, और मेक श्योर करता है कि ही मेक श्योर दैट जितने भी इम्प्लॉयज हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करें। ठीक है, और वो क्रिएटिविटी को डिस्करेज करता है ब्यूरोक्रेसी में, राइट, और यही इसका डिमेरिट बस यही है कि जो क्रिएटिविटी है उसको डिस्करेज किया जाता है, राइट, और सिस्टम और प्रोसीजर ऐसा बना हुआ रहता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कि यूनिफॉर्मिटी रहे और कंट्रोल रहे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पोजिशनल थ्योरी किसको बोला जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ट्रेड थ्योरी। जो ट्रेड थ्योरी, जो आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस आंसर विल बी ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी किसने दी थी? ट्रेड थ्योरी दी थी राल्फ स्टॉकडेल, राल्फ स्टॉकडेल जी ने ट्रेड थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1940s में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस ये सारे पॉइंट्स। और ट्रेड थ्योरी में क्या होता है? ट्रेड थ्योरी में ये बताया जाता है कि जो इंडिविजुअल है उनके पास एक की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ ट्रेट होना चाहिए टू बी एन इफेक्टिव लीडर, और वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाय बर्थ उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो लीडरशिप की जो ट्रेट है वो एक्वायर नहीं करेगा, उसके पास ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। ठीक है, कुछ फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हो जाएंगे जैसे कि हाइट, वेट, कलर, ये सारा कुछ, कुछ इंटेलेक्चुअल ट्रेट जो होते हैं वो हो जाएंगे, कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो इमोशनल भी होना चाहिए। पर्सनल ट्रेट्स में आ जाएंगे कि डेडिकेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए उसके पास, राइट, तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पर्सन के पास पहले से ही होनी चाहिए, शुरुआत से ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बताता है क्या ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्कैवेंडियन स्टडीज ऑफ लीडरशिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिसेंट स्टडीज है फ्रेंड, ये 2017 में की गई है। ठीक है, तो 2017 में जो है वो क्या क्या बताती है, ठीक है, देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। इट वॉज कंडक्टेड इन फिनलैंड एंड स्वीडन, करेक्ट। इट रिव्यूड ओहायो स्टडीज एंड केम आउट विद थर्ड डायमेंशन, नेमली डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ओहायो स्टडीज के दो डायमेंशन थे, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो स्कैंडिनेवियन जो स्टडीज है उन्होंने थर्ड डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया जो कि है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ओके, ये बताता है कि लीडर्स विथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर हैव मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने एचआरडी में पढ़ा, डेवलपमेंट एक बिगर कॉन्सेप्ट है, राइट। डेवलपमेंट में हम ये ध्यान रखते हैं कि जो किसी भी पर्सन का जो इनबिल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, उसको टैप करके उसको उसकी हाईएस्ट कैपेबिलिटी को रियलाइज किया जाए, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचाया जाए। तो इसका ध्यान किस में रखा जाता है? स्कैंडिनेवियन स्टडीज में। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स, राइट, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, यू सुपरवाइज टेलर्स एट योर बैंक। आपका एक बैंक है, आप बैंक के मैनेजर हो, जिसमें कि आप टेलर्स को सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है। दे ऑल आर कॉम्पिटेंट एट देयर जॉब्स एंड रियली एंगेज विद द कस्टमर वेल। ठीक, वो अपने जॉब काफी अच्छे से कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट है,
मैच्योर्ड है, उन्हें उन्हें अपना जॉब पता है, कस्टमर के साथ भी वो अच्छे से एंगेज कर लेते हैं. बेस्ड ऑन सिचुएशनल लीडरशिप अप्रोच विच लीडरशिप स्टाइल शुड यू एग्जिबिट. तो इस सिचुएशन पे, सिचुएशन दिया हुआ है ठीक है, सिचुएशन जैसे कि लाइफ गोल थ्योरी पे क्वेश्चन है ये, उसके एप्लीकेशन पे कि जो हर्शर्ड एंड ब्लैंकार्ड जी ने दी थी कि सिचुएशन पे आप किस तरीके से अपना सिचुएशन स्टाइल आपका रहना चाहिए. तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डेलीगेटिंग. राइट, डेलीगेटिंग फेज में यही होता है फ्रेंड्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारे फॉलोअर्स कैरी आउट करते हैं और लीडर का बस काम होता है मॉनिटर करना और रिव्यू करना. ठीक है, इसीलिए आंसर होगा पॉइंट नंबर ए. नेक्स्ट 24, What makes you think is the most effective leadership style that can be used during emergency situation? अगर कहीं पे emergency situation है तो किस तरह का leadership style होना चाहिए? What makes you think is the most effective leadership style? क्या सबसे ज्यादा सही रहेगा? Democratic नहीं होगा friends, क्योंकि emergency situation में two-way communication का हमारे पास time नहीं रहेगा. Laissez-faire तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें भी डिस्कशन करने का टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, इसमें चाहिए कि जो लीडर है उसके पास जो आइडियाज है वो फटाफट बोले और जो लोग हैं उसको फॉलो करें. डायरेक्टिव अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, तो सपोर्टिव भी नहीं होगा इसमें, सबसे ज्यादा अच्छा होगा ऑटोक्रेटिक. ठीक है, कि इमीडिएट ओबीडियंस हो ऑर्डर का. ऑटोक्रेटिक ये बताता है राइट, कि लीडर ऑर्डर दे और उसका और सारे फॉलोअर्स बिना क्वेश्चन किए उसको इमीडिएटली ओबे करें. और इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ऐसा ही फॉलोअर्स चाहिए, ऐसा ही लीडरशिप स्टाइल चाहिए. ओके, तो देयरफॉर पॉइंट नंबर सी इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, इन प्लानिंग कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द पर्पस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर असेंशियल. व्हाट स्टेटमेंट गिव्स अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजन. विजन का के बारे में हमने पढ़ा है, तो विजन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? राइट, सॉरी, इट यूजेस एक्शन वर्ड्स इन प्रेजेंट टेंस. बिल्कुल सही है, ये जो विजन होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है. और जैसा कि इसमें बताया गया कि विजन क्या बोलता है, पर्पस को कॉन्सेप्चुअलाइज करता है और जो एस्पिरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसको रिफ्लेक्ट करते हैं विजन में. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन टू मैग्निफाई द वेरियस एक्टिविटीज एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद अ ब्रॉड टाइम फ्रेम. बिल्कुल सही. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाई इट एग्जिस्ट. ये बताता है कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इट वॉन्ट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म, what it wants to become, what organization wants to be known for. ये सारा चीज विजन बताता है. For example, Amazon. Amazon का विजन क्या है? Amazon का आप अगर विजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें होगा to be earth most customer centric company where customer can find anything they want at the most reasonable price. ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ये बता रहे हैं कि क्या बनना चाहता है ब्रॉड टाइम फ्रेम में, उसके क्या क्या एक्टिविटीज है, लेकिन व्हाई इट एग्जिस्ट ऐसा नहीं है. ठीक है, ये इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी. करेक्ट, बिल्कुल सही. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर सी. फॉल्स डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है इसलिए होगा पॉइंट नंबर सी. राइट, हु रोट द बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर जो बुक है उसके उसके जो राइटर थे वो थे जॉन एच हैंगर. ठीक है, इन्होंने एक और कंसेप्ट की बात की है फ्रेंड्स. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि लीडर्स के 10 फ्लॉज क्या होते हैं. ठीक है, तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 फ्लॉज इन अ लीडर, तो उसका आंसर भी क्या होगा, जॉन एच हैंगर. उन्होंने इसके बारे में इस बुक में भी बात किया है. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर 27, Who said leadership is both a process and property? Leadership को property का भी नाम दिया है किसने? इसका आंसर होगा Gray and Stark. ठीक है, leadership एक process तो होगा ही, क्योंकि ये उस process में वो motivate करता है behavior को और उसी process में हम goals को achieve करते हैं, right? और organization का एक culture form करते हैं in turn. लेकिन property इसलिए बोला जा रहा है कि लीडरशिप जो है वो उसमें बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको प्रॉपर्टी बताया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. राइट, जो लीडर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैरिश्मा होता है, जो उनमें एक सपोर्टिव एटीट्यूड होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है.
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट ट्रू और फॉल्स. इन मिशिगन स्टडीज लीडर शो ओनली वन काइंड ऑफ बिहेवियर, नॉट बोथ एज स्टेटेड. बट इन ओहायो स्टडीज लीडरशिप बिहेवियर लाई एट अपोजिट एंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूम. जैसा कि मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स ऑलरेडी, मिशिगन स्टडीज में बताया गया था कि इम्प्लॉय या तो टास्क ओरिएंटेड होगा या फिर इम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा, आइदर दिस और दैट. लेकिन ओहायो स्टडीज में रेंज होता है कि कॉन्सिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कहां पर एक कॉन्टिन्यूम होता है, कि कहां पर इस बीच में कोई भी लीडर लाइक कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए जो है इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है फ्रेंड्स. इस टर्म को आप कभी भी इस चीज को भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आंसर विल बी ट्रू. नेक्स्ट, वट इज नॉट ट्रू अबाउट एलपीसी थ्योरी. जो एलपीसी थ्योरी थी जो फील्डर जी ने दी थी, वो उसके बारे में क्या सही नहीं है. तो इट हैज 16 स्किल्स, बहुत जरूरी है. पूछा जा सकता है कितने स्किल्स हैं इसमें, तो 16 स्किल्स है. तो 16 स्किल्स में मेजर करते हैं कि जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, राइट. तो एलपीसी इज द लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, बिल्कुल सही. ये जो 16 स्किल्स में जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से जो लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर होगा, ठीक है, तो उसका जो स्केल होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, कम होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अगर हाई स्कोर आ रहा है, 16 स्किल्स है और स्कोर हाई है उन सारे स्किल्स में, तो अगर हाई स्कोर है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ओके, हाई स्कोर में. और अगर लो स्कोर है तो वो टास्क ओरिएंटेड है. लो स्कोर है मतलब कि जो रिलेशनशिप है वो फ्रस्ट्रेटिंग है फॉलोअर और एम्प्लॉय के बीच में, वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ज्यादा टेंस्ड है, राइट. और अगर हाई स्कोर है दैट मीन्स कि जो लीडर है वो उसका एक हेल्पफुल बिहेवियर है, उसका एक रिलैक्स्ड बिहेवियर है किसके साथ, फॉलोअर के साथ, राइट. और जो सबसे कम स्कोर आएगा वो होगा लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, ठीक है, जो स्केल में सबसे कम स्कोर लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर के लिए होगा. टेंडेंसी टू बी टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो एलपीसी थ्योरी है ये बताती है कि कोई भी पर्सन या जिस भी इस जो रेंज में लाई करेगा 16 स्किल्स में, तो वो या तो टास्क ओरिएंटेड होगा या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, या जैसा भी होगा थोड़ा टास्क ओरिएंटेड या थोड़ा रिलेशनशिप ओरिएंटेड, वो कॉन्स्टेंट होगा. उसका बिहेवियर लाइफ में फिर चेंज नहीं होगा. ही विल बी ओनली दैट टाइप ऑफ लीडर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, राइट. वो ये बताता है. तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द डीज, बिकॉज ए बी एंड सी ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिसीजन स्टाइल्स आर देयर इन ब्रूम यटन जागो थ्योरी. तो ब्रूम यटन जागो थ्योरी में कितने डिसीजन स्टाइल्स बताए गए हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 5. ये बताती है थ्योरी कि जो लीडरशिप है वो डिसीजन स्टाइल पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो लीडरशिप है वो डिसीजन स्टाइल पर डिपेंड करती है. और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टाइल्स जिसपे की लीडरशिप डिपेंड करती है, और उन पांचों जो डिसीजन स्टाइल है दैट इज A, AI, AII, CI, C2, and G2, ओके. दिस इज मैनेजर मेक्स डिसीजन अलोन, ठीक है, एंड देन इट मूव्स इनटू द कॉन्टिन्यूम. और जो लास्ट होता है उसमें जो मैनेजर और सबऑर्डिनेट होते हैं वो एज अ ग्रुप, दिस स्टैंड्स फॉर ग्रुप, वो एज अ ग्रुप जो है वो डिस्कस करते हैं सिचुएशन को और डिसीजन को लेते हैं, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन लीडरशिप, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स. And I believe this session will be very useful to you. Please go through all the questions once again. अगर आपको कहीं भी कोई भी doubt हो तो आप मुझे query मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, right? Yeah. Thank you, students, a lot for your time.